कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक वायरल कट ऑफ की, जो कि लगभग सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में वायरल हो रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको भी मेल किया कि सर इसके बारे में बताइए कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है, क्या हम जनरल में ही आवेदन करें या ओबीसी को छोड़ दें। जो ओबीसी के छात्र हैं उन विद्यार्थियों ने ये मुझको भेजा है। आप खुद कट ऑफ को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा, जैसे जनरल की कट ऑफ देखेंगे आप 137 गई थी प्रारंभिक परीक्षा की, और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 165 गई थी। पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को लाइक कर दें, जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग किस में आवेदन करें और किस में आवेदन ना करें। चलिए पहले तो आप ये कट ऑफ देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा की, और इसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो गई है 137। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 152। ईडब्ल्यूएस की भी गई ज़्यादा, और अनुसूचित जाति की गई है 123। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की 105, और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट गई है 165। उत्तर प्रदेश के डीएफएफ की गई है 106, और नीचे यहाँ पर उत्तर प्रदेश समाज के फिजिकल हैंडीकैप जो दिव्यांग जन हैं उनकी कट ऑफ भी यहाँ पर नीचे दी गई है। और यहाँ पर आप फीमेल की कट ऑफ देखेंगे तो वो भी सामान्य के बराबर ही गई है 137। ये देखिए, या तो ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे गई, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि जब 27% सीटें ओबीसी को अलग से दी जा रही हैं और 50% सीटें अनारक्षित में सभी का चयन होता है, तो ये इतना अंतर कैसे, ये जो विद्यार्थी हैं इसी को बार बार पूछे। तो मैं आपको बता दूं पहले कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होता है, और अगर आपने कोई लाभ प्रारंभिक परीक्षा में लिया तो फिर आप अपने ओबीसी में ही रहेंगे, ये तो एक अलग मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ओबीसी वर्ग में आवेदन किया है तो आपको अपने ही पदों के 15 गुना के क्रम में बुलाया जाएगा। समान वर्ग के विद्यार्थी हैं, जितनी सीटें समान वर्ग की हैं उसका 15 गुना। जैसे मान लो कोई पोस्ट आई 100 पद हैं, और पहले नोटिफिकेशन में पहले ही अगर डिक्लेयर कर दिया कि 100 पद समान वर्ग के हैं, तो इसमें 100 का 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि 1500। ये किसके लिए, मेंस के लिए। और अगर ओबीसी के छात्र हैं, ओबीसी के अगर मान लीजिए कि 27 बच्चे हैं, 27 का 15 में आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 405। तो और आपके कितने भी ज्यादा नंबर रहें, प्रारंभिक परीक्षा के बाद में जो प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट आता है उसमें ओवरलैप नहीं करवाया जाता है, नहीं करवाते हैं ओवरलैप। अगर आप ओवरलैप कर जाएंगे तो फिर वो आरक्षण का फायदा वाला सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ, इतना अंतर कैसे आ गया, अंतर का कारण एक ये था इसमें कि जो ओबीसी के जो पद हैं, वैसे अभी तक आप पीसीएस प्री का रिजल्ट, पीसीएस प्री का हो, आरओ प्री का हो, या खंड शिक्षा अधिकारी प्री का हो, किसी भी प्री में जब ज्यादातर देखेंगे ओबीसी की कट ऑफ ज्यादातर या तो बराबर रहती है या ज्यादा चली जाती है, कभी कभार एक आध नंबर, एक नंबर या आधा नंबर कुछ कम हो जाती है। बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, अभी नहीं, मैं बहुत पुरानी मार्कशीट आपको दिखा दूं। उदाहरण के लिए आप लोग आर ओ ए आर ओ 2016 का ये कट ऑफ दे सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का, इसमें भी जनरल की कट ऑफ 129 गई थी और ओबीसी कट ऑफ 132 गई थी। इसके बाद में जो अभी 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो सबसे ज्यादा गई थी, लगभग 127। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य ये होता है कि आखिरकार एक दो नंबर का तो चलिए ठीक है, ये इतना अंतर है कैसे, इतना ज्यादा अंतर कैसे, 137 है ये, 165 है ये। तो इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि आप जब नोटिफिकेशन को देखेंगे और अगर आपने देखा कि उसमें ओबीसी का पद कभी कभी कम रहता है, कम क्या रहता है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कभी कभार नोटिफिकेशन आता है किसी भर्ती का तो उसमें ओबीसी का पद एससी से भी कम रहता है, यानी कि जैसे एक नियम बना हुआ है जो आरक्षण का नियम है 1994 के बाद से जो लागू हुआ है, उसमें 27% पद ओबीसी को, 21% पद एससी को, 2% एसटी को, और महिलाओं वगैरह के लिए तो वो 36 आरक्षण होता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन में ओबीसी के पद कम रहते हैं, कभी एससी के पद कम रहते हैं, कभी एसटी के पद कम रहते हैं, आगे पीछे रहता है। उसका दूसरा कारण होता है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे मान लीजिए कि कोई पद जनरल का नहीं भरा गया तो उन पदों को जनरल के अग्रणीत कर दिया गया, अगली भर्ती में वो जोड़ दिए जाते हैं, इस तरीके से कुछ होता है, लेकिन मामला बढ़ जाएगा। लेकिन बात हो रही थी खंड शिक्षा अधिकारी में इतना जो ये कट ऑफ हो कैसे चला गया, कट ऑफ इसलिए चला गया कि इस नोटिफिकेशन में, जब ये नोटिफिकेशन 2019 में जारी हुआ था तो इसमें पदों की संख्या बहुत कम थी, ओबीसी के पदों की संख्या।
नहीं है, ये लोक सेवा आयोग में ही ऐसा होता है, ऐसा हाईकोर्ट की भर्ती में भी होता है। हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप डी आगे की जो भर्ती आई थी उसमें भी जो जनरल का प्रारंभिक परीक्षा का जो कट ऑफ है वो बहुत कम चला गया था, या शायद मुझे याद आ रहा 84-80 के आसपास चला गया था, जबकि एससी का कट ऑफ 88 के आसपास और ओबीसी का 92 के आसपास कट ऑफ गया था प्रारंभिक परीक्षा का। लेकिन बाद में जब मेंस का रिजल्ट जारी हुआ तो सारे छट गए, बाद में प्रीलिम्स और मेंस की उसमें तो मेरिट दोनों की जुड़ती है, दोनों नंबर जुड़ते हैं, और फिर जब दोनों को जोड़ा गया और बाद में फिर कॉमन मेरिट बनाई गई और उसके बाद सारे विद्यार्थी बाहर हो गए। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इसमें यहाँ पर ये नीचे सारा का सारा जो खेल है वो पदों की संख्या को लेकर के, ये मेन आरटीआई जब ये जारी की गई थी तो इसमें पदों के बारे में भी जानकारी दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल के जो पद हैं वो 309 पदों का विज्ञापन था, और जनरल के जो वर्ग जनरल क्या अनारक्षित जो लिखा हुआ है 159 पद थे, और ईडब्ल्यूएस के 30 और ओबीसी के 31 पद। अब ये देखिए 309 का 27 कितना, लगभग 83 पद होना चाहिए था, लगभग 83 पद होना चाहिए था, लेकिन ये पद कितने हैं ओबीसी के, यहाँ पर 31 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का ये देखिए यहाँ पर 30, यानी कि लगभग 10% पद थे। और कारण यही है कि जब ये 31 होगा आपका, ये ओबीसी के पद ही 31 हैं, तो 31 का 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाए, यानी कि सामान्य कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको बुलाया 2385, ये 159 में जब गुणा करेंगे 15 का तो ये आएगा, और जो ओबीसी के विद्यार्थी आएंगे लगभग 465 के आसपास। तो जब इतने कम विद्यार्थी होंगे अब तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि जो कट ऑफ वो ज्यादा चली जाएगी। और उसके बाद में होता यह है कि जब फाइनल मेरिट बनती है तो फाइनल मेरिट में यही जो 465 जो विद्यार्थी जिन्होंने मेंस दिया है और जो प्रीलिम्स में जो विद्यार्थी जिन्होंने भाग लिया है, यानी कि सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, इनकी एक सामान्य मेरिट बनती है कॉमन, जिसके नंबर ज्यादा है, पहले 50% पद दे दिए जाएंगे ओबीसी और जनरल को, एससी को, एसटी को, जिनके नंबर ज्यादा है 50% पद उधर दे दिए गए, और उसके बाद में नीचे जो पद 50% बचेंगे या जितने भी पद हैं, यानी कि इसमें जो नोटिफिकेशन में नीचे कहा गया है 31 और ये, इस हिसाब से जो पद हैं वो उनको दे दिए जाएंगे कैटेगरी के हिसाब से, जितने पद नोटिफिकेशन में दिए गए हैं उतने पद उनको वितरित कर दिए जाएंगे, और पहले 159 में सभी को ओवरलैप करवा दिया जाएगा। यही कारण है कि जो फाइनल कट ऑफ इसका जारी हुआ है मेंस का, उसमें जो कट ऑफ है वो ये देख सकते हैं आप लोग, ये खंड शिक्षा अधिकारी की फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ में जब ये ओवरलैपिंग होती है फाइनल में, तब ये जनरल की जो कट ऑफ है जिसमें ओबीसी जनरल सभी छात्र हैं तो 208 कट ऑफ चली गई, और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 203 चली गई। ईडब्ल्यूएस की भी कम हो गई, जबकि जनरल से ज्यादा थी, 198 हो गई, अनुसूचित जाति की तो पहले से ही कम थी। तो फाइनल कट ऑफ में ओवरलैपिंग होती है और प्री में ओवरलैपिंग नहीं होती। अच्छा, एक और बड़ी बात है, इस नोटिफिकेशन में बड़ा आश्चर्य भी होता है कि अगर विज्ञापन में मान लीजिए कि ओबीसी का अगर एक पद है और जनरल का मान लीजिए 159 है या 200 है, एक ही पद है, तब विद्यार्थी क्या करें, या पांच पद है मान लीजिए, तब विद्यार्थी क्या करें। अगर आपने ओबीसी कॉलम में आवेदन किया है तो जो प्रारंभिक परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें इसी पद के सापेक्ष आपको क्वालिफाई कराया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में, और कट ऑफ इतनी ज्यादा चली जाएगी कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जब कभी इस तरीके का अगर नोटिफिकेशन आता है जिसमें ओबीसी के जो पद हैं वो 27% से कम रहते हैं या बहुत कम रहते हैं, 2, 4, 5, तब आप लोग फिर सोच समझ के आवेदन करिएगा, क्योंकि अगर प्रारंभिक प्री ही नहीं निकल पाएगा तो मेंस में आप कहां से ओवरलैप कर पाएंगे और कहां से क्या चीजें हो पाएंगी। अगर इसी में जैसे मैंने बताया कि अगर एक पद ओबीसी का होता तो केवल 15 विद्यार्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाता, फिर सोचिए कि 15 विद्यार्थी, और ओबीसी के तो ज्यादा विद्यार्थी होते ही हैं आवेदन करने वाले, कट ऑफ कितनी ज्यादा पहुंच जाती है। फिर 15 विद्यार्थी में से अगर 15 का भी चयन हो जाता तो बाकी विद्यार्थी तो रह जाते ना 309 में। तो इस तरीके के नोटिफिकेशन जब कभी आए भविष्य में तो आप लोग सोच समझ के आवेदन करें, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हों, चाहे वो ओबीसी के विद्यार्थी हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हों, कोई भी विद्यार्थी हों, अगर नोटिफिकेशन में ही पद कम है तब आप लोग सोच समझ के आवेदन करिए, और अन्यथा की स्थिति में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप योग्य हैं, प्रारंभिक परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप अपने ही कैटेगरी में आवेदन करें। फाइनल में तो ओवरलैपिंग होती है, फाइनल में तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये कुछ डाउट्स थे विद्यार्थियों के जो कि अब क्लियर हो जाना चाहिए। और रहा रही बात की ये जो पद है ये कम क्यों आए, ये कभी कभी नहीं है, बहुत पहले से दसियों साल से ही ऐसा होता आया है कि कभी कभार जो पद है वो
उस तरीके से नहीं आते हैं जिस तरीके से रिजर्वेशन रहता है। कुछ पहले बैकलॉग की भर्ती आती थी, अलग से कुछ वैकेंसीज आती थी, लेकिन अब इसमें नहीं आ रही हैं। और ऐसा हमने वीडियो में भी देखा था, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी आई थी, बहुत सारी वैकेंसीज आई। चलिए मैं फिर बाद में उसके बारे में बता दूंगा, विस्तृत जानकारी दे दूंगा। और ये हो गया आज का वीडियो, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।